ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस हम करने वाले हैं गाइस कुछ इस टाइप का न्यू कंप्लीट फोटो रिटच। सो गाइस इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखना है गाइस, तभी आप लोगों को समझ आएगा कि गाइस आप लोगों को इस तरीके की रिटच जो है अपनी फोटो में कैसे डालनी है। तो गाइस आप लोग ये वीडियो को कंप्लीट देखना। एंड गाइस जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि अगर आप लोगों को किसी भी क्रिएटर का कोई रिटच वीडियो या फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता देना। तो गाइस आपको सेम चीज़ वही करनी है, अगर आपको कोई ट्यूटोरियल चाहिए हो तो गाइस आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, आप लोगों को जो है इसका ट्यूटोरियल मिल जाएगा। तो बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले आपसे करना है गाइस आप लोगों को अपनी फोटो को जो लाइटरूम ऐप में ओपन करना है, देन जाना आपको स्लाइड वाले ऑप्शन में, फिर गाइस आपको उसका कॉन्ट्रास्ट है जो उसको यहाँ पे प्लस कर देना है, एंड जो गाइस हाईलाइट है इसको यहाँ पे थोड़ा माइनस की तरफ आपको रख देना है। ठीक है, हाईलाइट्स को जो है माइनस की तरफ रख देना है। देन आपको क्या करना है, आपको नीचे जाना है, आपको यहाँ पे मिलेगा शेडो वाला ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे जो शेडो है इसको हल्का सा यहाँ पे जो प्लस की तरफ रखना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जो वाइट है आपको वाइट को जो है यहाँ पे छेड़ना नहीं है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे हम तो मतलब कि मतलब वाइट जो है मतलब हल्का सा माइनस करना है, एंड जो ब्लैक है इसको भी थोड़ा सा आपको माइनस कर देना है। ठीक है, कुछ इस टाइप से। देन आपको क्या करना है, आपको जाना है इस कलर्स वाले ऑप्शन में, आपको यहाँ पे जो टेम्परेचर दिख रहा है आपको उसको कम करना है ताकि जो फोटो में ब्लू टोन है वो बनी रहे, क्योंकि अगर अभी हमें स्काई ब्लू करना है तो इसलिए अभी हमें ब्लू टोन चाहिए। फिर उसके बाद आपको मिलेगा वाइब्रेशन, तो आपको उसको कम करना है, एंड जो ब्लू टेम्परेचर उसको थोड़ा कम कर लेना है। फिर जाना आपको कलर मिक्स में यहाँ पे ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन जो है आपको माइनस करना है, एंड उसके बाद जो इसका ल्यूमिनस आपको उसको प्लस कर देना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको लेना ग्रीन कलर, आपको उसका सैचुरेशन बिल्कुल माइनस कर देना है, एंड जो येलो कलर इसका भी सैचुरेशन बिल्कुल माइनस कर देना है। फिर क्या करना है आपको, आपको गाइस यहाँ से जाना है डार्क ब्लू में। जैसे कि गाइस आपको जो ब्लू कलर है आपको जैसे कि गाइस मतलब कि आपको अगर आपकी शर्ट वगैरह अगर ब्लू कलर की हो तो गाइस आपको उसका ह्यू बढ़ाना है, एंड जो सैचुरेशन है इसको भी हमें बढ़ा देना है। ठीक है, कुछ इस टाइप से। एंड उतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करें, डन कर देना है। एंड जो गाइस मिक्स के बगल में जो टूल है आपको उसमें जाना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे जो शेडो है इसको क्लिक करना है, एंड उसके बाद आपको जो इसका ह्यू है आपको गाइस इसको ले जाना है यहाँ पे अराउंड 73 तक प्लस करना है, एंड जहाँ पे सैचुरेशन है इसको आपको 22 तक कुछ प्लस करना है। फिर आपको मिड टोन में कुछ नहीं करना, आपको हाईलाइट में जाना है, एंड हाईलाइट में जाने के बाद आपको इसको 71 तक प्लस करना है, एंड जो सैचुरेशन है इसको भी आपको 66 तक आपको प्लस कर देना है, एंड उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर देना है। बट गाइज आपको अभी फोटो में एक चीज़ कमी दिख रही होगी गाइज, जो हमारी जो बाइक है एंड जो हमारी जो ड्रेस वगैरह वो अभी हमें डार्क नहीं लग रहे हैं, तो उसके लिए हम वापस से लाइट में जाएंगे, एंड यहाँ पे जो इसका ब्लैक है हम इसको यहाँ पे कम करेंगे। ठीक है, ब्लैक यहाँ पे कम कर लेंगे, एंड जो शेडो है इसको यहाँ पे गाइज कम नहीं कर सकते हम, क्योंकि नहीं तो फोटो पूरी ख़राब हो जाएगी हमारी। तो हम इसको थोड़ा सा मतलब अराउंड 9 प्लस में रखेंगे, एंड इसके बाद हम इसका जो ब्लैक है इसको थोड़ा सा यहाँ पे माइनस करते हैं हल्का सा, एंड यहाँ पे इतना परफेक्ट है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको सिलेक्टिव टूल में जाना है, आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, एंड उसके बाद आपको जो है थर्ड वाला ऑप्शन आपको लेके आपको नीचे से प्रेस करके कुछ स्टेप्स लाना है, एंड उसके बाद लाइट वाला ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक्सपोजर है जो इसको यहाँ पे कम कर देना है। ठीक है, ताकि जो फोटो है हमारी नीचे से डार्क हो जाएगी। देन आपको क्या करना है, आपको गाइस अब यहाँ से जाना है कलर्स में वापस से। ठीक है, तो कलर्स में जाने के बाद आपको जो यहाँ पे स्काई ब्लू है आपको उसका जो है ह्यू है इसको प्लस करना है, एंड जो यहाँ पे डार्क ब्लू है इसको भी ह्यू आपको हल्का सा कम कर लेना है, ताकि जो हमारा जो स्काई है वो स्काई ब्लू कलर में हो जाए। ठीक है, फिर ना परफेक्ट है, अब यहाँ पे हम डन कर लेते हैं इसको। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे गाइस जाना है ऐसे लाइट वाला ऑप्शन में, एंड गाइस उसके बाद आपको जाना कर्व टूल में। ठीक है, कर्व टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे ब्लू कलर सेलेक्ट करना है, आपको ऊपर से जो है एक पॉइंट बनाना है कुछ इस टाइप से, मतलब कि नीचे की तरफ लाना है ताकि फोटो में जो है हमारी येलो टोन बन जाए, एंड गाइस नीचे भी एक पॉइंट बनाना है आपको ऊपर की तरफ प्लस करना ताकि जो ब्लू टोन भी जो हमारी फोटो में बन जाए। ठीक है, कुछ इस टाइप से। एंड इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको गाइस यहाँ पे वाइट कलर लेना है, एंड वाइट कलर लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो है इसका मतलब कि नीचे से मतलब शेडो जो है ऊपर की तरफ प्लस करना है ताकि जो फोटो में जो मतलब शेडो वगैरह वो कम हो जाए, एंड यहाँ पे फोटो को डार्क करने के लिए आपको यहाँ पे जो एक पॉइंट नीचे से बनाना है, एंड जो सबसे नीचे वाला पॉइंट आपको उसको ऊपर की तरफ लाना है ताकि जो इसमें जो है एक मूडी टोन आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया है मूडी टोन हमारा। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे एकदम कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो जैसे कि आपको मैं बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ, तो गाइस देखिए ये हमारा बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस ऐसा करता हूँ, आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी चलिए मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।